Thanks, Prashant. Thanks for this kind introduction. Good evening to all the attendees here. And we have really gathered here to talk about a molecule which is known for tens of years. The medicines have been known for more than that. But like COVID, we are getting introduced to so many new modalities of treatment and so many new drugs. Mucormycosis and fungal infections in COVID are also quite new. Nature या प्रकृति हम सबको रोज ही सिखाती है और इसके साथ ही हमको अपने आप को अपडेट रखने के लिए मौके भी मिलते रहते हैं. हमारे पास इस बार जो मौका आया है, जब तक कि हम कोविड से अच्छी तरह से सेकेंड वेव से बाहर भी नहीं आए थे, तब तक सेकेंड इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शंस इन कोविड पोस्ट कोविड बहुत ही ज़्यादा इस समय सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है. I'd like to start my presentation with slide sharing. I hope I'll be. Are the slides seen now, Prashant? Yes, sir. Yes, sir. Slides are visible. So, with this introduction from one of the Institute of Madhya Pradesh, holding third. Talking about mucormycosis and COVID-19 patients and so many other fungal infections. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी इसलिए आई है क्योंकि जब तक लोगों ने चैन से बैठना शुरू किया था, चैन की सांस लेनी शुरू की थी, तब तक एक नया इन्फेक्शन के बारे में अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंट्री से न्यूज आने लगी थी. ये भी देखा जा रहा है कि इसमें जो कई लोगों को ट्रीटमेंट दिया गया है, ट्रीटमेंट के इम्प्लीकेशन के बारे में भी हमको इसमें बात करनी पड़ेगी. म्यूकर एक ऑर्डिनरी फंगस है जो हमेशा से ही एनवायरनमेंट में रहता रहा है. ओनली थिंग इज कि ये एनवायरनमेंट में रहता है, हर जगह रहता है, स्पोर फॉर्म में रहता है. हम सभी ने इसके बारे में अपने मेडिकल कोर्सेज में पढ़ा है. देन वी हैव रेड अबाउट दिस इन even from 9-10 standards, we have been knowing about mucor and aspergillosis. But mucor ki growth tabhi hoti hai jab isko favorable atmosphere mile, jab iski grow karne ke liye oxygen ka particular concentration ek particular pH par ho, aur kisi bhi aise patient mein jiski immunity normal hai, yeh disease nahi kar sakta hai. So we have been knowing for years ke इम्यूनिटी अगर ऑल्टर होगी तभी ये ग्रो करेगा. अब इस बीच में कोविड के साथ हम सभी ने देखा है कि दे हैव बीन इंसिडेंसेस ऑफ स्टेरॉइड इंजेक्शन एंड स्टेरॉइड्स बीच में या अभी भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोविड माने जाते रहे हैं. लेकिन इसकी ड्रग एंड डोजेस को जब भी ज्यादा अमाउंट में दिया गया है तब तब इसने प्रॉब्लम की है. तो इससे स्टेरॉइड्स जो है ये इम्यूनिटी कम करते हैं. स्टेरॉइड्स के कारण से ये पूरी प्रो डायबिटोजेनिक होते हैं, मतलब इससे ब्लड शुगर बढ़ता है, इससे डायरेक्ट शुगर बढ़ती है, इससे इम्यूनिटी कम होती है. और स्टेरॉइड्स के साथ में वी हैव ऑब्जर्व दैट दे हैव बीन इंजेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक्स, फेयरली हायर एंटीबायोटिक्स इन एंटीसिपेशन ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन इन लंग्स, जिनकी कई बार बेसलेस एडमिनिस्ट्रेशन भी हुआ है. थर्ड रहा है, कुछ पेशेंट्स में हमने बायोलॉजिकल्स की थेरेपी भी दी है जिसके कारण से इम्यूनिटी कम होती है या इन्फ्लेमेशन कम होता है. तो इन तीनों चारों फैक्टर्स के कारण से जो इम्यूनिटी कम हुई है तो ये फंगल ग्रोथ हो रहा है. हम सिर्फ म्यूकर की बात नहीं करेंगे कोविड में, हम बात करेंगे बाकी फंगल इन्फेक्शंस की भी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो अब लाखों पेशेंट्स ठीक होकर के कंट्री में अब रूटीन लाइफ में लौटने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें भी इन फैक्टर्स के कारण से दूसरे फंगल इन्फेक्शंस भी हो रहे हैं. बट म्यूकर बीइंग लाइफ थ्रेटनिंग इज वन ऑफ द पॉइंट ऑफ मेन इंटरेस्ट एंड फॉर अस आल्सो दिस इवनिंग विल बी फोकसिंग मोर ऑन दिस. नाउ फंगल इन्फेक्शंस लंग्स में भी एल्वियोलर डैमेज के साथ में हो ही रहे हैं, काफी ज्यादा इम्यूनो सप्रेशन है एंड ऑल दीज पेशेंट्स रिकवरिंग फ्रॉम कोविड बिकॉज ऑफ हैवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेरॉइड्स, because of very advanced antibiotics, are in a state of immunocompromised status. इनमें CD4, CD8 जो कि हमारे इम्यूनिटी से लड़ने के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेल्स रहते हैं, उसमें अबनॉर्मलिटी आई ही है, जिस कारण से सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नॉर्मल हेल्दी बॉडी में कभी इन्फेक्शन नहीं करते वो बढ़ जाते हैं.
म्यूकर भी उन्हीं में से एक है। इन सबके साथ में पेशेंट्स लंबे समय तक आईसीयू में रहे हैं, कईयों को इसमें सपोर्टेड वेंटिलेशन रहे हैं, अगर इनको बाईपैप लगाया तो बाईपैप के साथ फोर्सफुल एयर इंट्रोड्यूस हुई है, अगर उन्होंने मास्क से ऑक्सीजन को इनहेल किया हुआ है तो मास्क की अगर प्रॉपर केयर नहीं हुई है, मास्क भी गीला रहा है, वेट रहा है, जिसके साथ में कई बार उसके अंदर भी फंगस जाते हैं। एक क्वालिटी ऑफ वाटर विच इज रिक्वायर्ड टू मेक द एयर डैम्प और मॉइस्ट, उस क्वालिटी ऑफ वाटर में भी अगर बहुत अच्छा पानी की क्वालिटी नहीं रही है तो ये माना गया है कि उसमें फंगस हो सकती है। इन सब के साथ में फंगस बॉडी में एंटर होती है। नाउ दिस पॉइंट ऑफ एंट्री आर इवन मोर देन दिस, सो ऑल दीज पेशेंट्स जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं, ये सारे ही पेशेंट्स में क्रिटिकली इलनेस की हिस्ट्री देखने को आई है। लेकिन हमको ये याद रखना पड़ेगा कि अभी हम लोग जो जिस टाइप के म्यूकर के या फंगल के पेशेंट देख रहे हैं उसमें बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो कि बहुत सीरियस नहीं रहे हैं। इस पॉइंट पे हम दोबारा आएंगे, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करते हुए कि क्या क्या कारण है जिस कारण से इन पेशेंट्स में बैक्टीरिया एंड फंगल इन्फेक्शन ज्यादा हो रहे हैं। ऑफकोर्स क्रिटिकली इल पेशेंट, मैकेनिकली वेंटिलेटेड पेशेंट्स, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी या जो डायलिसिस पे चल रहे हैं, एक्मो पे बहुत लंबे समय से पेशेंट्स स्टेट रहे हैं, नर्सिंग रेशियो अगर पुअर रहा है उनका या नर्सिंग केयर अच्छी नहीं रही है, लंबे समय तक हॉस्पिटल रहने में भी इम्यूनिटी उनकी कम रही है, या अगर एसेप्सिस केयर उनकी अच्छी नहीं हो पाई है, एंड लास्टली स्टेरॉइड्स के साथ में IL-6 इनहिबिटर्स भी हमने देखा कई बार बायोलॉजिकल थेरेपी में लोगों को जो बहुत ज्यादा दिए गए हैं वो भी फंगल ग्रोथ को काफी प्रमोट करते हैं। इसलिए ये फंगस हमारे बॉडी के कॉमनेस पोर्ट ऑफ एंट्री नोज एंड माउथ से अंदर चला जाता है। We are at present concentrating more on mucor, but we should never forget that there are many other fungi which are going to attack the human body, which are attacking our human bodies at present after COVID. They are aspergillosis, candida, and mucus and cryptococcus. So we'll talk about them also in short time. Now, invasive aspergillosis bhi in patient mein dekhne ko mil rahi hai, kyunki life-threatening infection isse bhi ho sakta hai. Very easy to diagnose. हम इसमें एक स्क्रैप लेकर के उसको माइक्रोबायोलॉजिक टेस्ट के लिए रखें और हिस्टोपैथोलॉजिक एविडेंस दो मिनट में मिल जाता है। ड्रग्स आर इजीली अवेलेबल। नाउ वी विल टॉक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ दीज ड्रग्स आल्सो। सो फॉर दिस आइटाकोनाजोल, वरिकोनाजोल, पोसाकोनाजोल एंड इकोसोनाजोल आर अवेलेबल। ऑफकोर्स इफ दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दीज रूटीन एंटीफंगल्स, एम्फोटेरिसिन बी एंड एकाइनोकोक्सिन आर ऑल्सो अवेलेबल। नाउ वी विल सी इनवेसिव कैंडिडा। हम लोगों ने HIV के ट्रीटमेंट में बहुत कैंडिडियासिस सबसे कॉमनली देखा हुआ है, और इस कैंडिडा के लिए हम देखते थे कि हमेशा उनके न्यूट्रोपिनिया होता है। न्यूट्रोपिनिया कोविड में भी हो रहा है, और न्यूट्रोपिनिया के साथ में जब इनको होते हैं तो इम्यूनिटी अल्टर होती है, ससेप्टिबिलिटी इन सभी पेशेंट्स में रहती है कैंडिडा के लिए, क्योंकि कैंडिडा इज वन फंगस विच इज इजीली अवेलेबल इन द एयर। पेशेंट्स जिनको भी हम सस्पेक्ट करते हैं उनके लिए इकाइनोकैंडिन, फ्लुकोनाजोल, वरिकोनाजोल, एटाकोनाजोल्स आर इजीली अवेलेबल, एंड ऑफ कोर्स एम्फोटेरिसिन बी इज देयर टू रेस्क्यू ऑलमोस्ट ऑल सीरियस सीवियर फंगल इन्फेक्शंस। इन पेशेंट्स में हाइपरग्लाइसीमिया भी देखने को आया है, एंड हाइपरग्लाइसीमिया हैज बीन वन ऑफ द वेरी कॉमन सिंगल फैक्टर जो सारे पेशेंट्स में म्यूकर माइकोसिस के साथ देखने को मिल रहा है। इनमें माइल्ड टू मॉडरेट कोविड इन्फेक्शन में इन्वेजिव म्यूकोमाइकोसिस देखने को मिल रही है, जबकि हाइपरग्लाइसीमिया कई पेशेंट्स में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। जो भी हमारे कलीग्स एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कोविड में इन्वॉल्व है उन्होंने देखा होगा कई बार पेशेंट्स जो हमारे पास आ रहे हैं उनके पास ब्लड शुगर सीरियस 400, 450 के आसपास मिलता है। मेनी ऑफ देम आर नॉन डायबिटिक्स बट फेयरली कंट्रोल्ड, बट एट द टाइम ऑफ कोविड दे आर गेटिंग वेरी ग्रॉसली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलिटस। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो कि कहते हैं कि हमको कभी शुगर नहीं थी, उनकी भी शुगर 300, 350, 400 के आसपास मिलती है, और ये लेवल के शुगर के साथ में हम उनका HbA1c भी करते हैं, यू विल फाइंड कि HbA1c इन मेनी ऑफ दीज पेशेंट इज मोर देन 9, 10, 11 और इवन मोर देन दैट। दिस सजेस्ट इफ द पेशेंट इज डायबिटिक हिज डायबिटीज इज वर्सनिंग विद कोविड, इफ द पेशेंट इज नॉन डायबिटिक देन विद द ड्रग्स लाइक स्टेरॉइड्स, stress and COVID itself may have some direct predisposition to make patient diabetic by damaging their beta cells also, they are becoming diabetic. So, and diabetes remains uncontrolled. Uncontrolled mein
endothelial receptor GRP78 is expressed, which leads to impaired chemotaxis and defective intracellular killing. That means yahi fungal organism jo normal immunity ke sath mein destroy ho jate, they are not being killed and they are surviving. So, and then there's ketoacidosis. Free iron becomes readily available in the serum. We all know that one of the important tests for COVID has been serum ferritin. And with this serum ferritin, the ferritin easily available for this mucorrhoid is a sort of nutrition. It increases the virulence of fungus. It leads to easy entry and increased concentration of fungus. और यही corticosteroids and immunosuppressors के साथ में in susceptible host the infection keeps on increasing. Now this is from one article from Rajiv Soman. I found very aptly picked title, and I have used this title even during discussions about mucor in different platform. It's like from the frying pan into the fire. There couldn't have been a better simile for the situation for a patient who has recovered from a life-threatening, life-fearing condition of COVID of 15-20 days. Ek patient 15-20 din mein mushkil se theek hua hai, aur 15-20 din mein theek hone ke baad, now we are announcing as doctors that now you are having mucormycosis or another fungal infection, which is much more life-threatening than his original COVID disease. Now we always say that COVID mein to 1.5% or 2% possibility hai mortality ki, but here in case if it remains untreated, the mortality may be 50%. Now diabetes, mucormycosis, COVID-19 and its treatment is a recipe for disaster. You can imagine what will happen, how much is the impact of this double disease. पेशेंट को लगता है कि अब मैं पूरा ठीक होने वाला हूं, और 15-20 दिन के बाद उसको नए सिरे से नए नए सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, और उसके साथ की नई प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच इज क्वाइट कंबर्सम, विच इज क्वाइट एक्सपेंसिव, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज. पोस्ट कोविड-19 सेप्सिस हैज एमर्ज्ड एट प्रेजेंट एज सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम. वी ऑल नो दिस इज अ रियल प्रॉब्लम एट प्रेजेंट. सारे हॉस्पिटल स्पेशली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री व्हेन दे स्टार्टेड टेकिंग अ लिटिल रिलैक्स attitude by reduction in the number of COVID must be under pressure at present because of the increasing number of mucormycosis. To tell you, India is at present always called as diabetes capital of the world, is now known as a mucormycosis capital of the world also. In Indore, where we have a population of about 40 lakhs, hum logon ne 7 din pehle ek ward ke sath mein jo mucor ward shuru kiya tha, now we have 180 plus patients admitted in 9 wards. Almost whole of our hospital is converted into mucor management ward or mucor management hospital. So mucormycosis becomes a diabetes defining illness. If you find any patient of mucormycosis, you test him, you will find that the possibility is almost 90% that patient will be diabetic also. And at present is rare फंगल इन्फेक्शन के इंडिया में 40% से ज्यादा पेशेंट्स हैं ग्लोबल नंबर के. नाउ क्लिनिकल हार्मोनल, लेट्स गो टू हाउ टू बी डायग्नोस, क्लिनिकली कैसे पहचानेंगे. इट्स वेरी सिंपल, यू शुड रिमेंबर दैट द मोड ऑफ एंट्री इज फ्रॉम नोज और फ्रॉम माउथ, एंड इफ देयर इज इम्यूनिटी इज ऑल्टर्ड, द मोल्ड विल स्टिक टू द सर्फेस. ये फंगस वहां पे चिपक जाएगा, वहां पे प्रोलिफरेशन शुरू करेगा, और अगर इम्यूनिटी अच्छी नहीं हुई तो ये बढ़ता चला जाएगा. Now, very simple to understand. Nose may be the first site, because nose is it gives sticking surface to the mold. Wahan pe necrotic lesion or wahan ke and mandible, it can go to or if it goes up, starts affecting eye. Eye mein jaane ke baad, eye mein it can go to the brain. To the brain, at the base of the brain, it can cause masses of fungi to be cerebral. Mucus is the track
if it remains uncontrolled, that's the way it will keep on increasing. एक जो नेक इसमें जो एक नेक्रोटिक लीजन बनता है दैट्स कॉल्ड एशआर. सो टू अंडरस्टैंड हाउ द डायग्नोस दिस पेशेंट को, अगर नाक में हुआ है तो सबसे पहले ग्रोथ होगी. ग्रोथ के कारण से उसको एक तरफ फेस में राइट और लेफ्ट हाफ में जहां पर भी म्यूकस ग्रो कर रहा होगा वहां पर उसको भारीपन लग सकता है. नाक ब्लॉक हो सकती है, ही कैन हैव नेजल ब्लॉक, हिज वॉइस में चेंज, he may have dyspnea during deep breathing. In oral cavity, again, there can be loss of tooth. There can be black spots inside the oral cavity. Even our hard palate may perforate. It may perforate to nose. It may perforate from above below also. Then, it goes to eye. When it goes eyes become red. If the venous or if the arterial is patient, if the fungal growth is occurring as a mass, patient will have diploma. If it goes to brain, it can cause septicemia, and at that stage it will be difficult patient for our treating doctors, and most of the time we lose these patients. Now some of the patients who are admitted in our hospital even with active COVID, एक और चीज हमको इसमें याद रखनी चाहिए, ये सारे patient जो हम लोग अभी देख रहे हैं उसमें सब में जरूरी नहीं कि पोस्ट कोविड ही हो. हमारे यहाँ पुअर ओरल हाइजीन के अभी भी पेशेंट हो सकते हैं जिनके ओरल कैविटी में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग म्यूकर रह रहा हो. सच एज दिस पेशेंट ऑलरेडी एडमिटेड एज अ फ्रेश कोविड पॉजिटिव पेशेंट बट दिस साइट इज देयर विच सजेस्ट दैट दिस इज ऑलरेडी म्यूकर हार्बरिंग पेशेंट. नाउ इफ दिस पेशेंट बिकम्स डायबिटिक or if these patient is given very high dose of steroids leading to suppression of immunity, he will have extensive prolongment. That's what is the humidity and area that a fungus needs for its growth. Some other patients you can see here also blackish pigmentation already there in existing patients of COVID positivity. Now these are post COVID patients. You can see the redness of eye, prominent eye, so much of ecchymosis, so much of swelling around the eyes. Vision is affected in all these patients very easily. Ophthalmoplegia. Now you can see swelling over a part of the face, quite common. हमारे यहाँ जो इस समय इंदौर में भी 8-9 वार्ड बल्कि शायद 10 वार्ड इस समय हमारे यहाँ पेशेंट से भरे हुए हैं. You just have a scanning look of look over the patients who are admitted there, you will find that 95% of these patients from a distance you can diagnose whether he has got eye involvement or there's jaw involvement or so much discharge from the nose, and patients are having great difficulty. Now you see this is perforation of the heart palate. And the patients are diabetic. Patients find it very, very difficult to interestingly, in few years of time, mycosis is going to destroy India shortly in a couple of years. Now, this book was published in 2017. So, 4-5 years back, this was presumed. And the main association or main basis for this is that India is the capital of diabetes. And if the diabetes is not well controlled, mucor growth will keep on occurring, and this mucor will be difficult to control. Again, same patients with eyes involvement. Now, how do we diagnose? Biopsy is to examine them under a microscope. After staining and a diagnosis confirmed, KOH mounting is required. The stain is called calcofluor stain, and it is difficult to routinely culture these fungi. But of course, clinical signs are so easy to pick, and then KOH mount and biopsy confirms the diagnosis as soon as possible. At present, there are no biomarkers for mucormycosis, but
there are two tests which are called beta-D-glycan and galactobanan tests, which are useful to point out some fungal infection, but they are not specific to mucor. And if the patient has been given generic piperacillin tazobactam, sometimes there will be false positive galactobanan test also, which will lead to confusion or over-diagnosis of fungal, right? But we have to differentiate timely between mucor. Management of different types of fungi is different. Management of fungi from bacterial pneumonia or bacterial infection is quite different. So we must be sure what we are dealing, because in this management, reward of your treatment. Now, principles of treatments are, we have to give antifungal agents. Surgically, the fungal MRs has to be excised. We have to reverse the underlying predisposing factors, and of course, adjuvant therapy. So now let's see what treatment are we going to offer. Now, one thing, the predisposing factors have to be controlled. मतलब डायबिटीज हमको सबसे पहले पूरी तरह से कंट्रोल करनी पड़ेगी. आप ये डिसाइड कर लेंगे जितने भी नॉन डायबिटिक पेशेंट्स हैं, अगर उसको म्यूकर हुआ है तो इमीडिएटली पुट देम ऑन बेस्ट पॉसिबल डायबिटीज केयर, एंड लार्ज नंबर ऑफ देम नीड इंसुलिन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम फॉर अ बेटर केयर, विच बीइंग अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल फ्रॉम अवर ओन बॉडी गिव्स द बेस्ट केयर फॉर डायबिटीज. तो हम डायबिटीज को सबसे अच्छे कंट्रोल करें, इमीडिएटली स्टेरॉइड्स की डोज को रिड्यूस करके रैशनल डोज पे लेकर के आए अगर जरूरत हो, और अगर जरूरत ना हो, सफिशियंट टाइम पास हो चुका हो, तो लेट्स स्टॉप दैट रैपिडली एज सून एज पॉसिबल. इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग ड्रग्स लाइक टॉसिलिज़ुमैब, बैरेसिटिनिब, टोफैसिटिनिब, इन सभी दवाइयों को हमको फौरन बंद करना चाहिए, क्योंकि इनके कारण से IL-6 टोटल ब्लॉक होता है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हमारे टोटल ब्लॉक होते हैं, और उसके कारण से ये डिजीज बढ़ती जाती है. We cannot give any antifungal prophylaxis because there are so many varied type of fungi. Extends now have a good team approach of person from ENT, from neurosurgery, from ophthalmology and dentistry. Now we are having 5 different departments working to look after these patients. Immediately, one person decides by his CT or MRI, what are the things that are required for management of this patient? And then the management starts. If the eye is involved, ophthalmologists are there. If nose is involved, then extensive surgical debridement. We have to remove all necrotic tissue and then start medical treatment as soon as possible. And of course, patient need long lasting monitoring also. Now, amphotericin B is a standard of therapy. We install peripheral central catheter line. Adequate hydration is required. Normal saline intravenous before. Now I'll come to amphotericin B in detail. And antifungal therapy, aap ye yaad rakhein ki it's a long lasting therapy. We can discuss the cost here during some of the question answer sessions, but I would like to tell you this is one of the most expensive treatment, medical treatment that we are offering to our patient. We calculated yesterday that a 93 kg patient with rhinocerebral mucormycosis was given an estimate of about 55 lakhs rupees for 1 month of treatment. His weight is 93 kg, so many surgeries, but I tell you it is the most expensive treatment, and the treatment lasts for at least 4 to 6 weeks time. So need is there. We have been hearing about amphotericin B. Like we have been practicing HIV medicine, or HIV mein hum logon ne amphotericin B ko kai saalon tak use kiya hua hai for cryptococcal meningitis. Of late ye deadly combination, ye deadly complication bhi thoda kam hua hai, to usko bhi hum log kam hi use kar rahe the, but suddenly amphotericin B ka use ekdam se badha hai. There should not be any confusion about therapy. We should approach the patient with good confidence ki ha ye medicine zaruri hai, isko humko dena hi hai. और इस समय हमको मेडिसिन में एम्फोटेसिन बी के बारे में सब कुछ जानना चाहिए. तो व्हाट इज रेलेवेंट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इन नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी हैव ऑलरेडी टॉक दैट वी मस्ट साइड कि कितना इन्वॉल्वमेंट है, कहां कहां तक इसको सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है, कितनी डेप्थ में उसमें प्रॉब्लम आ रही है, एंड ऑप्टिमल थेरेपी विद ड्यू एक्सप्लेनेशन. पेशेंट शुड बी केप्ट इन कॉन्फिडेंस, एंड उसके बाद ही उसका ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए. पेशेंट को कई बार हम प्रॉपरली काउंसिल करके ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करें. यू मस्ट टेल हिम
कि ये कॉस्ट ऑफ थेरेपी इतनी इतने समय तक चलेगी और हम उसको रियलिस्टिक अप्रोच के साथ शुरू करें. वी शुड नॉट गिव देम फॉल्स होप कि अभी जाकर के तुम एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन लगाना शुरू करो, दो दिन में ही तुमको फर्क पड़ जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल. यू हैव टू बी पेशेंट, पेशेंटली एक्सप्लेनिंग दीज प्रॉब्लम्स टू द अटेंडेंट्स एंड देन ओनली स्टार्ट द ट्रीटमेंट. नाउ एम्फोटेरिसिन बी, कपल ऑफ स्लाइड्स. अभी मैंने देखा कि एम्फोटेरिसिन बी को, क्योंकि हम लोगों को काफी पेशेंट में यूज कर रहा था, तो वी हैव गॉन इनटू डिटेल डिस्कशन अबाउट दिस. ढेर सारे फॉर्मुलेशंस अवेलेबल हैं एंड मेरे सामने कम से कम जब 5 अलग अलग मॉलिक्यूल्स लाए गए, तो वी हैड टू रीड इन डिटेल्स अबाउट ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल. सो आई वुड लाइक टू टेल यू हियर रफली, डीऑक्सीकोलेट इज वन ब्रांड विच इज द चीपेस्ट एंड मोस्ट वॉज ईजिली अवेलेबल. But all others are lyophilized or liposomal or lipid complex or colloidal dispersion. Now it's truly confusing. I may be a little comfortable right now because we have gone through this these slides or we have spent some more time. But इसको हमको समझ के ही manage करना पड़ेगा. मैं आपको इसका reason ये बता रहा हूँ कि इन सबके साथ जो इंसर्ट्स आ रहे हैं इनको हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, उसके बाद ही ट्रीटमेंट दीजिएगा. क्योंकि इनमें से डीऑक्सीकोलेट, लाइपोसोमल, लिपिड कॉम्प्लेक्स, एम्फोटेरिसिन कोलाइडल डिस्पर्शन एंड लायोफिलाइज में से, इनमें से 1, 2, 3 एंड लास्ट 5th को हमको सिर्फ और सिर्फ डेक्सट्रोज 5% में ही इन्फ्यूज करना है, जबकि कोलाइडल डिस्पर्शन को सिर्फ डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन में डिस्पर्स करना है. कई बार उनको डिटेल में हम अगर नहीं पढ़ रहे हैं, तो अगर इसमें दूसरे कैरियर फ्लूइड के साथ हम इसको इन्फ्यूज कर रहे हैं, देन दे आर लूजिंग देयर पोटेंशियल. नाउ इन्फ्यूजन रिएक्शन इज क्वाइट फ्रीक्वेंट विद डीऑक्सीकोलेट इज चीपेस्ट. आई टेल यू मार्केट प्राइस डीऑक्सीकोलेट की जो है वो 200 or 250 रुपीज के आसपास है, जबकि लाइपोसोमल प्रिपरेशंस आर गोइंग अप टू 7,000 रुपीज फॉर 50 मिलीग्राम्स. 50 मिलीग्राम्स का डीऑक्सीकोलेट जो है, इसका डोज आता 1 मिलीग्राम पर केजी तक का. सो फॉर ए 50 केजी पेशेंट, 1 vial इज सफिशियंट. सो ही कैन बी ट्रीटेड विथ अबाउट 200 or 250 रुपीज पर डे एक्सपेंडिचर. लेकिन इसके साथ नेफ्रोटॉक्सिसिटी ज्यादा रहती है, इन्फ्यूजन रिएक्शन ज्यादा होती हैं, इसको हमको मॉनिटर भी बहुत ज्यादा करना पड़ता है. बट ऑल दिस लाइपोसोमल एंड अदर कॉम्प्लेक्सेस आर ट्रूली वेरी वेरी एक्सपेंसिव. नाउ इन दिस लाइपोसोमल थ्योरेटिकली इट इज वन ऑफ द बेस्ट. इसका साइज बहुत छोटा होता, तो स्पेशली अगर ब्रेन के लिए जरूरत है या सेरेब्रल इन्वॉल्वमेंट हुआ, देन दिस इज अवर चॉइस. बट एटलीस्ट 5 to 10 milligrams per kg is the dose. That means if the patient is 60 kg, for 60 kg patient, the dose will go to at least 6 vials per day. And 7,000 rupees approximate per vial cost, the cost goes to 42,000 rupees per day. And this is to be for at least 2 weeks. I am repeating, at least 2 weeks, maybe 2 to 4 weeks until the fungus clearance occurs completely. Now this ABLC or this is comparable with LEM, but here renal uptake is due to size, but there is a huge difference in cost. This is costing much lower amphotericin which we can afford. Now look at this slide. That there is definitely difference in action of liposomal versus deoxycholates. While the important events of renal damage, renal monitoring are there with deoxycholate molecules. But looking at the cost, in case you are able to infuse the deoxycholate over 6 to 8 hours time, monitor for some of the drug reactions, then there's huge saving in the cost. How can we really say prevent this amphotericin B nephrotoxicity? This is an important slide. Infusion of deoxycholate over 24 hours we can do. We can do saline hydration, salt loading prior to and after amphotericin B. Levels are to be monitored and N-acetylcysteine can be used.
Now they are suggested modes to reduce the toxicity of hepatitis B. Now when we are hepatitis B, we as I have started that we always see many different formulations are there with the different properties. Most hepatitis B are given by dextrose, but fungisome is sonized or not in dextrose saline, dextrose 5%. For most hepatitis B, give over at least 4 hours infusion, optimally 8 hours for or more than 24 hours or up to 24 hours for deoxycholate. Flush the port with D5%. You should remember that you have to shake the bag every hour to mix the lyophilized and lyophilized. Liposomal particles in the dextrose 5% solution. So it's not easy. You have to train the staff. And at the same time, you should remember this therapy at home. Now you can understand that patient will be admitted for of bed occupancy. And of course, in private, so much of expenditure. Another molecule which has been made available nowadays is posaconazole. We know that hepatitis B is short in supply. No world or nowhere in world, the number of patients that we are having in any one part of the world could have managed with sufficient supply of any one molecule. So hepatitis B is short at present. We are not having free supply of this drug. So we have to look for alternatives. Posaconazole is one of the alternatives which is available as suspension. It is available as delayed release tablets also, or as IV solution also. Now, posaconazole, kai logon ko available ho jati hai, toh isme bhi humko bahut dhyan dena hai, ki this is, this suspension of this this molecule is very thick. Isko humko sirf very heavy fatty meal ke saath dena hai, so that iska absorption sahi rahe. Fatty meals mein hum isko butter de sakte hain, ya cheese ke baad de sakte hain, ya even carbonated drinks ke saath mein isko diya ja sakta hai. Iska absorption inconsistent rehta hai. Usually, loading dose is 200 milligrams TDS. Maximum dose is 800 milligrams per day. But at present, the delayed release tablets are available. In ke saath mein, hum pehle din 300 milligram ki do tablets dete hain. Uske baad se 300 milligram ki one tablet after meals dete hain. That is for 2 to 3 weeks time. Intravenous molecule is in the same dose as the oral tablet. I would like to remind here again, this is another very expensive molecule and not easily available. Now there are some side effects, nausea, diarrhea, headache, insomnia, tachycardia, hypertension, edema, which can be attributed to the drug also. We need to monitor potassium, magnesium, and of course sugar monitoring is very, very important. For any possible blood complication, we should monitor for anemia, neutropenia, or thrombocytopenia. Liver functions have to be monitored. Mild fever should be controlled with antipyretics. Now, posaconazole mein humko ye dekhne mein aaya ki agar hum isko combination therapy mein de rahe hain amphotericin B ke saath mein, so there are no proven benefits. Aur isko humko decrease absorption karte hain kyunki PPI, isliye humko PPI ko avoid karna chahiye isme. Teesra molecule jo isme available hai, we have used this in some patients here also, isavuconazole. Now, isavuconazole is one molecule jisko lene se bhi nausea, diarrhea, headache, insomnia ho sakta hai. Almost same complications are there as we had with posaconazole. Iski dose 200 milligram TDS for 2 days and then IV ya oral form mein 200 milligram OD isko baad mein diya jata hai. Isme humko hamesha GI disturbance and liver functions ko monitor karna padta hai. But still the drug of choice is what we have for last so many years, amphotericin B. कॉम्बिनेशन थेरेपी में इनमें हम और क्या क्या दे सकते हैं, कभी कभी ये भी बोलते हैं डिफेरियोसिडॉक्स और एलएम और लैम भी विद अदर मॉलिक्यूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर. नाउ हियर वी नीड टू सी दैट दीज मॉलिक्यूल्स विच आर प्रोड्यूस वेरी वेरी इनफ्रीक्वेंटली are very costly also.
So we should not use combination therapy in anticipation ki kai medicines ko lene se humko isme kafi fayda ho jayega. We have to restrict to couple of molecules only or try amphotericin B or posaconazole. Now, what the role of combination therapy? We do not have very good evidence for this. So we should always remember that amphotericin B is the backbone of Bucher care, but all are not the same. Posaconazole or isavuconazole are the salvage therapies or step-down therapies. Their combination with amphotericin B needs a little more evidences. And with this, we should keep on managing these patients. Now, chronic renal failure, bhi agar patients ko hai, to humko bhale. Aap log yaad rakhe, dialysis or chronic renal failure is not a contraindication to our patient. Infusion of amphotericin B. आप क्योंकि एक ऐसी डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं जिसमें पोटेंशियल मॉर्टेलिटी है, उसमें हम हमेशा इन पेशेंट्स को इन दवाओं के साथ ही मैनेज करते हैं और जरूरत पड़ती है तो हम इसके साथ डायलिसिस भी कर सकते हैं. नाउ सर्जिकल मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू डिब्राइड, यू शुड हैव अ गुड टीम फ्रॉम डेंटिस्ट्री, a good neurosurgical requirement or even excentration of eyes may be required. Hamare yahan abhi is samay kuch patients mein retrobulbar 3.5 mg per ml ke hisab se per eye mein retrobulbar amphotericin B ke bhi infusion de rahe hain. We are trying to see how our patient respond to that. Of course caspofungin, we have already discussed about some drugs which can be tried, but they are not having any proof here. Now some in next couple of minutes some case. Now you can see we can have some more patients with extensive fungal infection. So here you can see extensive fungal infection, and this is fungal infection of Bucher mycosis. Now when you prove this can confuse at present with active COVID also. In fact today also we have got a patient who is a lady recovering from non-Hodgkin's lymphoma, has received multiple times chemotherapy, developed COVID about a month back, was almost all right, again got admitted, and her X-ray chest and CT scan is showing extensive involvement. We are definitely suspecting, can it be extensive pulmonary Bucher mycosis or aspergillosis? So that is to be kept as a possibility. Now, we manage liposomal amphotericin B, posaconazole, diabetes and others. Now, rhinomucosal mycosis, currently see here that, and here also, luckily, treatment remains same, whether the patient is suffering from any part of the body, but treatment remains same with amphotericin B, posaconazole, or other third molecule which is available. New generation antifungals for mucor are not having very good minimal inhibitory concentration. So we should not give them. On the contrary, if very heavy doses of other antifungal drugs are given, it is known that antifungals many times remove even the useful fungi from the body. This leads to alteration in pH. And sometimes the disease-causing fungus may grow. So we should not keep on giving antifungal prophylaxis to a large number of patients, and we should be very restrictive in giving treatment to these patients. Now, invasive cryptococcosis can also be seen in these patients. Now, the thing is, we know it's almost like a condition as if HIV was dealt initially. Now, like HIV, CD4, CD8 count is falling. So, usme jo infections hum sab logon ne dekhe hue hain, un sabko humko ek baar fir se revise karna padega. Cryptococcosis can be quite extensive. It can be quite invasive, and this can affect brain. And with the brain, we need to do lumbar puncture, and CSF examination suggests a cryptococci, which are easy to diagnose during India incubation. Amphotericin B is the drug of choice. Fluocytosine can be given, fluconazole, and many times in these patients, imidazole or fluconazole can be given as a long-term therapy. So we should keep a possibility of not only mucor after in these patients who are recovering, but other fungi also. Now we have got good guidelines from this AIMS group of doctors who are managing there. And we find that these drugs are to be used quite commonly. Just to summarize my talk, we should remember that headache
nasal obstruction and nasal discharge, nasal bleeding could be the first sign. There can be pain or loss of sensation on that part of the face. Skin may be swelled up, a part of face may swell up, teeth may loosen up, palate ka color change hua tha. In fact, ek aur ispe problem ye aa rahi ki mostly jo COVID ke patients hamare paas admit ho rahe hain, they are coming to us in such an advanced condition that we are mostly missing active examination of these patients. So active oral cavity examination patients ka nahi hota, aate hi agar unko oxygen saturation fall hota rehta hai, we put them on ventilators, we put them on NIV support, we put them on NRBM support, and or cover the face with a mask. And if that is that part of examination is missed, people may have mucor inside even before COVID. During COVID, that worsens, and we find that the situation is very, very bad here. So I think we have had quite many problems sorted out. I tried to introduce with you all the common thing that we are observing with mucor. एक नया चैलेंज आया है, इसके बारे में हमको नए सिरे से सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और धीमे धीमे ही हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे. फ्यू पॉइंट्स यू शुड रिमेंबर, इट इज पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, अनट्रीटेड पॉसिबिलिटी इज 90% डेथ, विद बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट सेरेब्रल म्यूकर इज हैविंग 50% मॉर्टेलिटी. सो यू शुड ऑल बी अवेयर, मेक योर पेशेंट्स अवेयर, मेक योर रिकवरिंग पेशेंट्स ऑफ कोविड अवेयर कि अभी आप कोविड से ठीक होकर के जा भी रहे हैं तो अच्छी ओरल हाइजीन रखें, अच्छी नेजल केयर करें, और ध्यान दें कि कहीं भी हमको नाक उंगली डालने में कहीं ब्लड तो नहीं आ रहा, कहीं काले स्पॉट्स तो नहीं दिख रहे हैं, मुंह के अंदर कोई नए काले स्पॉट्स तो नहीं दिखे. आफ्टर 2 to 3 weeks टाइम व्हेन दे रिकवर देन ओनली दे कैन फील फ्री, बट नॉर्मल टाइम फ्रॉम कोविड टू म्यूकर माइकोसिस वी आर नोटिसिंग इन 7 to 41 days. मतलब इट्स अ रियली अ बिग बिग प्रॉब्लम. And the type, I'm sure in any part of the country, wherever you are practicing, if you are just observant, routine test, routine management, and specific therapy with good surgical teamwork, I'm sure we can control this. But at the same time, we should all know that next about a 1 month time is a crucial testing time for doctors also. It will be a testing time for our patients also. And patients should be counseled very properly, because the therapy is long, it is expensive, and results may not be very good. So you have to have a realistic approach. I think that's much from my side. I hand over the desktop to Prashant again to start his questions. Probably I have overstepped to my time, but there were so many things to be informed. Sir, actually, I was going to say that only. I mean, so much information. Sir, hats off to you, sir. And so simple way you have shared all this information about the fungal infections in COVID. Sir, you have actually covered almost every topic. Sir, there are, few questions. So if you allow me, sir, definitely I would like put forward. We must sort out whatever are the relevant questions. We must this evening. There's no problem. No, sir, definitely we have to sort out, because there are more than 300 questions. Sure. Let's see. Sir, first of all, everyone wants to understand, sir, is there any prophylactic treatment, prophylaxis we can do for this disease? I have told you very clearly, honestly, prophylaxis may harm our patients. Reason being, as we all know, there are so many commensals in oral cavity, there are so many useful bacteria. When we talk of our pre-probiotics and all, we have loads of fungi spores, and many of them are useful to our body. When we give a broad spectrum antifungal to our patients who is on treatment, what we are doing is really knocking off all the fungi from his body. That may lead to growth of these disease-causing fungi in some of the patients. So a prophylaxis is not. On the contrary, a very good nursing care is required. I'm still observing a patient, a friend of mine, recovered from a very advanced and terminal stage of COVID, has got extensive fungal infection in his thighs and his scrotal area and even anal area. So there's so much of infection, because that care was missing during his intensive therapy treatment. So now he has recovered, but he's really so much bothered about his fungal infection over the skin. So now we need to give him antifungals.
But prophylactic antifungal therapy is not advised. Sir, the next question actually coming up, they want to understand. क्योंकि स्टेरॉयड का जो ट्रीटमेंट है जिसको हम बोलते हैं कि स्टेरॉयड की वजह से ये ज्यादा हो रहा है सर, लेकिन स्टेरॉयड ट्रीटमेंट तो पहले भी कई डिजीजेस में होता आ रहा है सर, सो व्हाई नाउ ओनली, व्हाई नाउ वी आर सीइंग दिस मेनी केसेस सर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू. आई टेल यू फ्रॉम अवर ओन स्मॉल ग्रुप ऑफ पेशेंट एंड ओके मैं बोलूंगा बहुत स्मॉल ग्रुप ऑफ पेशेंट नहीं है, वी आर सीइंग नाउ अबाउट 170-180 प्लस पेशेंट्स एडमिटेड And in my department, in my hospital here, what we have tried to analyze in short time, आपको ताज्जुब होगा उसमें से 40% patients कभी admit ही नहीं हुए, about 30% patients घर पे ही रहे हैं, उनको अच्छी तरह से याद है कि उन्होंने steroids भी नहीं लिए, 24% are not diabetic also, and of course जो लोग घर में रहे उन्होंने oxygen भी नहीं ली. So, अभी तक जो हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग रही है कि पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज, पेशेंट्स आर ऑन हैवी एंटीबायोटिक्स और पेशेंट्स हु हैव बीन टेकिंग स्टेरॉइड्स आर सफरिंग फ्रॉम दिस, इट इज नो. बट नाउ दीज पेशेंट्स हु आर एडमिटेड आर डायबिटिक नाउ. इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे. जो पेशेंट कोविड से इंप्रूव हो गए वो घर गए, और अब जब म्यूकर से एडमिट हुए हैं तो वो उस समय तो डायबिटिक नहीं थे, अब डायबिटिक हैं, अब उनकी इम्यूनिटी लो है एंड दे आर डेवलपिंग म्यूकर. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 210 पेशेंट्स ऑफ सिटी ऑफ अराउंड सिटी ऑफ इंदौर एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इज इट वायरस स्पेसिफिक सप्रेशन ऑफ इम्यूनिटी ओवर बी सेल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑल्टर्ड इम्यूनिटी टुवर्ड्स म्यूकर एंड म्यूकर इज फाइंडिंग इट इजियर टू ग्रो नाउ. तो ये कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ डायबिटीज, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, वी प्रैक्टिस रिमेटोलॉजी आल्सो एंड वी हैव गिवन मेनी टाइम्स वी से टन्स ऑफ स्टेरॉइड्स और सो मेनी टाइम्स वी हैव ओके. जैसे मैं हम लोग कई बार बात करते हैं, आई एम सीइंग एचआईवी पेशेंट्स फॉर लास्ट 27 इयर्स एंड हैव सीन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स ऑफ एचआईवी विद सो लो CD4 CD8 काउंट दैट दे हैड ऑल टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, बट आई हैव नॉट सीन इवन वन केस ऑफ म्यूकर इन माई थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स ऑफ एचआईवी. So it is possible this new strain of virus has made some changes in cellular immunity, which is responsible for easy growth, easy finding atmosphere or ground for multiplication of mucor. Sir, definitely. I mean, this new information, because up tak, as you said, sir, we were thinking ki diabetic and ICU admission are actually the causative factors. But as you are saying, ki even patient, I mean, who are at home, I mean, they are developing mucor, so definitely there is something else which is going on, and definitely we have to find out. The percentage of these patients who stayed in home during their COVID illness is not less. It is close to 36-40% who are getting now admitted for mucor only. So that is important. So we still have so many windows open, and knowledge will definitely keep on pouring, and we have to keep our observations open. And I'm sure with a large gathering this evening here, they can also drop in their own experience ki humko lag kya raha, kis karan se aisa ho sakta, usne aisa kya, because they have not taken oxygen, so we cannot say ki oxygen ka uska mask wet tha ya usse hua, oxygen li hi nahi, ghar mein hi rahe, steroids lage nahi, and they were not diabetic at that time also. So ye bahut sari cheeze hain jo I am sure the time will tell, but when they are now we talk of management. मैनेजमेंट में तो हमको इन सभी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज को एड्रेस करना ही पड़ेगा. सर, इज देयर एनी आई मीन रीजन टू बिलीव दैट मे बी अनहाइजीनिक मास्क यूजिंग नॉर्मल दैट मास्क कैन कॉज दिस म्यूकर? दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू कि वो एक रीजन बिल्कुल हो सकता है. मास्क अनहाइजीनिक रहेगा तो उसमें इस रूम में भी, हमारे रूम में भी म्यूकर एस्पर्जिलस के स्पोर्स घूम रहे हैं. Yes. अगर एक डैम्प सिचुएशन रहेगी तो डैम्प जगह पे मास्क में म्यूकर रहता ही है, और डैम्प मास्क विल डेफिनेटली प्रोलिफरेट दैट. इसके अलावा ये भी बात हो रही थी कि कभी कभी जो बहुत हैवी ऑक्सीजन देते हैं, आजकल आपने देखा होगा जो ऑक्सीजन भी जो एनआईवी में दी गई है, या मेनी ऑफ आई टेल कोविड ट्रीटिंग डॉक्टर्स नो कि जो एनआईवी के साथ में भी डबल ऑक्सीजन का जो कॉन्सेप्ट आया है, जिसमें दोनों तरफ से एक एक ट्यूब 15 लीटर्स पर मिनट की डाल देते हैं अंदर, दैट इज गोइंग लाइक ए जेट. So is that damaging to the nasal mucosa? Then there can be spores of mucor into this damp mask.
they go find a breached mucosa, they enter and they start proliferating. That is a possibility. But again, that may not work for our patient when there's about 35 to 40% of patients who have never been admitted or who have never been given oxygen also. We have to work up. And I'll not be surprised. Kal bhi hum log isko bahut detail mein discuss kar rahe the. We were talking ki it is possible within 2-3 weeks time, we may have some direct effect, direct information regarding that this particular cell is affected in body, and because of lack of this, mucor is finding a human body an easy target. अब इसमें एक और चीज है, हम लोग कई बार ये भी बोलते हैं कि यही ट्रीटमेंट कई बार फॉरेन कंट्रीज में भी दिया, लेकिन वहां तो कोई म्यूकर हुआ नहीं. जर्मनी से देयर आर फ्यू केसेस रिपोर्टेड इन यूरोप, अदरवाइज इंग्लैंड अमेरिका में वी आर हैविंग अवर कलीग्स एवरीवेयर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, बट दे से दे हैव नॉट सीन सो मच ऑफ म्यूकर, बट स्टिल मस्ट टू बी नोन. एंड वील कीप ऑल ऑप्शंस ओपन एंड वील एक्सेप्ट ऑल ऑप्शंस सजेस्टेड बाय एनीवन, इवन हु इज अटेंडिंग दिस वेबिनार दिस इवनिंग. Thank you, sir. One more question, sir. People want to understand because अभी क्या हो रहा है सर, like amphotericin B हुआ या फिर posaconazole या isavuconazole, all are very costly treatment and not widely available also. Is there any other alternate which can be utilized for the treatment? I mean, any other antifungal agents? I mean, for example, itraconazole. So can it be utilized in absence of all these three primary agents? One of the these three molecules are advised. They are exorbitantly expensive, and I tell you, will be difficult to be afforded by even middle class person in case we go to liposomals or posaconazole or isavuconazole. We have to find out that the next options may be from some other imidazole. That time will tell, but we are observing. In fact, we have started that study also. कि अगर हमारा एक patient आया जिसको भी mucor है, उसकी पूरी बॉडी में और भी अब हम लोग देख रहे हैं कि कहीं और भी तो नहीं है. वी आर फाइंडिंग दैट एक्सिला इज वन पार्ट वेयर देयर सो मेनी अदर फंगाई, और द थाइस और ग्रोइन एरिया इज अनदर पार्ट. देयर वी कैन डेफिनेटली गिव अदर एंटीफंगस, बट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन टिल डेट इज इन फेवर ऑफ दीज थ्री मॉलिक्यूल्स ओनली, एंड दैट इज वॉट इज रियली द वरिंग पार्ट ऑफ अवर पेशेंट मैनेजमेंट. अब मान लीजिए इतने सारे पेशेंट आपके पास एडमिट है एंड यू आर नॉट फाइंडिंग एनी मॉलिक्यूल टू गिव देम, दैट व्हाट एल्स कैन यू ऑफर. That's a big problem. We hope to sort it out as soon as possible from the support of so generously hardworking pharmaceutical industry from India. Thank you, sir. And sir, the last question, sir, if you'll also, last question is just that, sir. Why only mucor we are talking about? I mean, there are now reports of having aspergillosis also now coming up in COVID-19. So why we are emphasizing only on mucor, sir? There can be any other. No, Prashant, we are talking about mucor because at present the truly presentation with mucor is much more. Aspergillosis is not in second line. We are definitely keeping a possibility of aspergillosis also. Okay. That's why you must be reading so many newspapers that there is white fungus. White fungus and black fungus ke baare mein theek hai. We have to give due weightage to all these fungi. क्योंकि ये इन्वेजिव होते हैं, ये लाइफ थ्रेटनिंग रहते हैं, इसमें ट्रीटमेंट लंबा चलता है, ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव रहता है, आपको पूरी फैमिली को काउंसिल करके इसके ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व करना पड़ता है. एंड आई हैव बीन टेलिंग टू ऑल माय पेशेंट, ट्रीटिंग दिस म्यूकर इज मच मोर डिफिकल्ट देन ट्रीटिंग कोविड. कोविड में तो कई बार पेशेंट्स आते थे, उनको थोड़ा बहुत लंग इन्फेक्शन होता है, हमने उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया, 5-6 दिन के बाद 90% ऑफ देम आर डिस्चार्ज, 95% आर डिस्चार्ज आफ्टर 10 डेज टाइम, 4-5% हु आर worsening or are having complication, they only stay. We lose just 1.5 to 2% of these patients. Yahan pe loss of patient life is much more than that. So, isme humko combine na sirf mucor ke saath bhi dusre fungi ka bhi combination ko bhi yaad rakhna padega. And if we get good support, both aspergillus or candida and of course mucor, they all need treatment. That's why we kept this topic also, the fungal infections and mucor mycosis. It was not we should not miss all these secondary infections also. They are important. Thank you, sir. Thank you so much, sir. I mean, that is it has been definitely a wonderful session, sir. And I'm sure that there are actually more than 3,000 doctors who have connected. I mean, I don't know the exact number, but definitely it is more than 3,000. So thank you so much for this wonderful session, sir. Now I hand over this session to Ms. Pallavi Paul for a thank you note, sir. Thank you. Thank you so much, Dr. Prashant.
And thank you so much, sir, for this lively session and enlightening session. So a lot of queries of all the doctors who are attending this session must have been answered in this session. So we thank you a lot. And also, I would like to take this opportunity to thank on the behalf of mankind, all those attendee doctors who have spared time on this Saturday evening and are attending this session. I hope they must have received good inputs through this session and must be taking back a lot of things, a lot of learning. So on behalf of mankind, I would really like to organize these kind of knowledgeable sessions for the medical fraternity. And we hope we'll be organizing more such sessions on this topic and more. So thank you so much again. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thanks.